मीरा भयंदर परिवहन सेवा 2006 में इसकी शुरुआत की गई, JNNURM के अंतर्गत 50 बसेस इसमें लाई गई और उसके बाद 150 बसेस की मान्यता प्राप्त की गई, जिसमें से दूसरी लॉट की 50 बसेस भी ला करके उसका शुरुआत किया गया। 100 बसेस की जो शुरुआत और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से की गई थी, आज तक के उस बसेस को इस शहर में किसी ने नहीं देखा। आज इस शहर में महानगर पालिका की सिर्फ 35 बसेस चल रही है, ना बस डिपो है, स्टाफ को निकाल दिया गया है, जो लोकल कर्मचारी थे काम कर रहे थे बस में, बस सुपरवाइजर का काम कर रहे थे, कंडक्टर का कर रहे थे, ड्राइवर का कर रहे थे, उन लोगों को बर्तरफ कर दिया गया है। बस डिपो की व्यवस्था नहीं है, बस की हालत निहायत ही खस्ता है। पूरे शहर में कोई ये नहीं बता सकता कि मीरा भयंदर की बसेस को पिछले 5 साल में किसी ने देखा हो। ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव आया है तो अब बस डिपो का निर्माण किया जा रहा है, जब चुनाव आया है तो जो वसई विरार का कॉन्ट्रेक्टर ब्लैकलिस्टेड है उसको मेजोरिटी के आधार पर टेंडर देने का काम किया जा रहा है और वो कॉन्ट्रेक्टर स्थानीय जो कर्मचारी है उनको उठा करके उन्होंने बाहर फेंक दिया है। ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इस शहर में जिस अच्छी तरह से हमने बस की सेवा शुरू करवाई थी उसको नियमित रूप से उसे फिर से एक बार इस शहर के लोगों की सुविधा के लिए लोगों में पेश की जाए।